गुम है किसी के प्यार में की फेम एक्ट्रेस रह चुकी ऐश्वर्या शर्मा ने खुल के बताया है अपना ड्रीम। नहीं बनना चाहती थी वो एक्ट्रेस लक बाय चांस, एंड आप कह सकते हैं कि ऐसे ही ट्राई ट्राई में ऑडिशन देते देते उनको मिल गया ये अपॉर्चुनिटी। लेकिन वो अपने लाइफ में कुछ और गोल्स अचीव करना चाहती थी, और अभी जब खतरों के खिलाड़ी में ये बनने वाली है कॉन्टेस्टेंट, तो इस बीच किस कैरेक्टर को निभाने के लिए और क्या बनना चाहती है और उसके ऊपर ऐश्वर्या ने क्या रिएक्शन दिया है, आई नजर डालते हैं इस पूरे वीडियो पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। ये तो मैं आपको बता दूं कि गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस का पॉपुलर शो रहा है, जहां पे पाखी के किरदार में नजर आई थी ऐश्वर्या शर्मा। हालांकि उन्होंने शो को क्विट कर दिया है, और क्विट करने के तुरंत बाद ही उन्हें खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का ऑफर आ गया है। खतरों के खिलाड़ी का पहला जो थीम रहेगा शो का, जो पहला एपिसोड का जितना भी थीम रहेगा, वो जंगल बेसिस पे रहने वाले, मतलब जंगल पे स्टंट होने वाले हैं, जो कि काफी खतरनाक भी हो सकता है, डरावना भी हो सकता है। इस पर जब ऐश्वर्या शर्मा का रिएक्शन पूछा गया, तो ऐश्वर्या ने ऑलवेज फनी रिएक्शन देते हुए ये चीज कहा है कि बचपन में मैं मोगली पिक्चर देखा करती थी, और मोगली देखना मेरा काफी ज्यादा पसंदीदा शो था, और देखना मुझे काफी ज्यादा पसंद आता था। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मुझे तार्जन बनना है, तो शायद ये जंगल थीम से मुझे तार्जन बनने का मौका मिल जाए, और मैं मोगली की तरह इधर से उधर उधर से इधर करते हुए नजर आऊं और लोगों को एंटरटेन करूं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जंगल थीम खतरनाक तो होने ही वाला है, लेकिन जब बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट भी आपके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन वाला टाइप भी फीलिंग आने लगेगा, तो आप वो चीज कर पाओगे। इसी के साथ ऐश्वर्या शर्मा ने ये भी बताया कि एक्ट्रेस बनने का ख्वाब तो सिर्फ ऐसे कहते कहते हो गया, नॉर्मली मैं कुछ और अपने लाइफ में अचीव करना चाहती थी, पढ़ लिख के कुछ और करियर चूज करना चाहती थी, बट लकीली मुझे एक्ट्रेस बनने का मौका मिल गया। वैसे ऐश्वर्या शर्मा के इस टॉपिक पे और इस पॉइंट पे आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फूज।